देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के बीकेसी इलाके में मौजूद धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को मंगलवार शाम 4:30 बजे बम से उड़ाने की धमकी भरा फोन स्कूल की लैंडलाइन पर आया था। पुलिस के मुताबिक कॉलर ने कहा कि उसने स्कूल परिसर में टाइम बॉम्ब लगाया है। यह कहते ही उसने फोन काट दिया। इसके कुछ देर बाद उस अनजान व्यक्ति ने दोबारा स्कूल के लैंडलाइन पर फोन किया। उसने कहा कि अगर मैंने ऐसा किया तो पुलिस मुझे पकड़ के जेल में डालेगी, जिसकी वजह से मेरा नाम सोशल मीडिया पर आएगा, साथ ही मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के कानों तक भी मेरा नाम पहुंचेगा। इस धमकी भरे फोन कॉल के बारे में स्कूल ने तुरंत यह जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन को दी। स्कूल की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 505 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि आरोपी की पहचान हो गई है और उसे ट्रेस भी कर लिया गया है, जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसी तरह पिछले साल अक्टूबर के महीने में एचएन रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को भी अज्ञात व्यक्ति ने अस्पताल के लैंडलाइन पर धमकी भरा फोन किया था। उस समय भी फोन करने वाले शख्स ने कहा था कि अस्पताल को बम से उड़ा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अंबानी परिवार को भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सॅन सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सही। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।